ये ना लाल मिर्च जो पाउडर सा होता है, मतलब स्प्रिंकल्स से होते हैं, स्प्रिंकल्स कहते हैं। तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो अपना विशाल बूम। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि घर में मतलब रूम हीटर पे पिज्जा कैसे बनाना है। मैंने पहले भी बनाया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि भाई मैंने पिज्जा बनाया, और मैंने दिखाया कि कैसे कैसे बनाया। तो लोगों का कमेंट आया कि भाई आपने ये कैसे कर लिया, हमको भी बताओ। तो मैंने कहा इस चीज के ऊपर एक व्लॉग बनाते ताकि सबको पता चले, और जो और भी ऑडियंस ऐसा बनाना चाहती जिनके पास ओवन नहीं है, अपने पास तो है लेकिन अपना खराब हुआ पड़ा है, उसको सही करवाने का टाइम नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि घर में कैसे पिज्जा बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं। मैंने जहां तक की देखा है, सुना है मैंने, बट मैं आपको बताने वाला हूं रूम हीटर पे कैसे पिज्जा बना सकते हैं। और बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, और जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा ना, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं मैंने स्टोरी डाली थी, जो भी मेरी लेटेस्ट होती है ना बातें वो इंस्टाग्राम पे होती है। जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूजर हैंडल आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हो। और अपना इंट्रो देते हैं। सो बूम 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 मेरे चीतो, कैसे हो आप सब, आप अपना विशाल बूम। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामान अपना सारा निकाल लिया है, चलता हूं दिखाता हूं आपको क्या क्या इसके अंदर लगता है, और आपको कैसे बनाना है वो भी बताता हूं। थोड़ा सा फूड व्लॉग होगा इसके अंदर, एक और चीज मिक्स करेंगे, कोई और कंटेंट भी मिक्स करेंगे, तो देखो क्या होता है वीडियो के अंदर। तो एक पिज्जा के अंदर क्या क्या सामान लगता है वो मैंने सारा यहाँ पर रख लिया है, आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान एक पिज्जा के अंदर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर हमने ले रखा अमूल का सफेद मक्खन, ऑर्गेनो, रेड चिली फ्लेक्स, पिज्जा टॉपिंग, इसकी जगह मोमोज की चटनी भी यूज कर सकते हो के बेस के लिए, या टमाटर की चटनी बना लो लेकिन तीखी होनी चाहिए इसके बेस के ऊपर लगाने के लिए। ये चाट मसाला है, और ये तीन प्याज ले रखे, दो टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक चाकू, ये भाई देसी घी है जिसके बिना मेरा खाना नहीं पचता है, और ये एक इंग्लिश ओवन पिज्जा बेस ले रखा है, ये आप घर में मैदे की भी बना सकते हो, मैंने नहीं बनाई है, मैं खरीद के ही ले आया हूँ। और ये है भाई एक चीज जो कि 200 ग्राम का, ये देख रहे हो लड़की हमारे को जीभ चिढ़ा रही है, तो आप भी इसको इमोजी के डालो नीचे कमेंट के अंदर कि भाई जीभ की चिढ़ा रही है मैं वाली। और ये ले रखा है भाई, इसको मतलब इसका बेसिकली क्या यूज होता है, जो ये है ना इसके ऊपर पूरा मतलब फैलाने के लिए यूज होता है, जो भी होगा भी आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। तो जितना भी सामान पिज्जा के अंदर लगता है सारा मैंने आपको दिखा दिया है, अब आपको थोड़े से सिनेमैटिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि काटते पीटते टाइम के थोड़ा सिनेमैटिक एंजॉय करना, फिर उसके बाद जब इसका पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको रखेंगे हम रूम का जो हीटर है जिसके ऊपर हमें ये पिज्जा बनाना है, मजा आएगा, वो चीज देखोगे ना अनोखा ही काम है वो। तो पहले इसको पूरा बेस तैयार कर लेते हैं, मतलब एक पिज्जा तैयार कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका है, अब इसको क्या करना है, जस्ट पकाना है। पहले इसका बेस को तैयार करेंगे पका के, उसके बाद जो ये जो चीज है ना, चीज को ऊपर से गैस देंगे, मतलब जो रूम हीटर है, रूम हीटर से इसके ऊपर हीट लगेगी और ये पिघल जाएगा, और पूरा जो पिज्जा बनने वाला है एक नंबर का बनने वाला है। तो चलो चलते हैं, पहले इसको बेस को पकाते हैं तवे के ऊपर, उसके बाद रूम हीटर से इसके ऊपर के जो भी ये चीज है इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा तैयार कर लिया है, और तवे पे देख रहे हो कि भाप निकल रही है, अब इसका टाइम आ गया है पिज्जा इसके ऊपर रखने का। अब पहले इसका बेस नीचे से गर्म हो जाएगा, पूरा बेस पक जाएगा, देखो पूरा धुआं धुआं निकल रहा है इसके अंदर, देख रहे हो ये पूरा यहाँ पर धुआं धुआं निकल रहा है। अब इसका बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको ऊपर से हीटर से पूरा पकाएंगे। पिज्जा का बेस था वो मैंने तावे पे तैयार कर लिया था, लेकिन जो मेन काम था पिज्जा का ऊपर का जो चीज था उसको पकाना, उसके लिए देखो मैंने क्या जुगाड़ करा है। ये देखो भाई चीते का जुगाड़, ठीक है, ये रख रखा रूम वाला हीटर, यहाँ पर बोतल लगा रखे ताकि इस तरफ गिरे ना, और नीचे रखा हुआ ये अपना पिज्जा, और ये अभी 1200 वाट पे चल रहा है, और कितनी तेज गर्म हो रहा है। एक और आवाज सुनो, ये देखो आवाज शायद आपको सुनाई दे रही होगी, नहीं दे रही होगी पता नहीं, बाकी अगर पिज्जा बाहर निकाल लेता हूँ, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए इसको रखे हुए, और ये मेल्ट होना चालू हो चुका है, ये देख लो भाई साहब। तो इसको दोबारा दे देते हैं रूम हीटर के अंदर, ये तैयार हो जाए। ऐसा अभी तक किसी ने करा है तो मेरे को कमेंट करके नीचे बताओ, बाकी सिर्फ तुम्हारा चीता ही ऐसे काम कर सकता है। मेरी मम्मी भी शौक हो गई कि ये क्या जुगाड़ बना दिया तूने, बट क्या करें, चीता है भाई सबसे ऊपर जीता है। ओ भाई साहब क्या बन गया, चीता है सबसे ऊपर जीता है।
तो यहाँ पर अपना पिज्जा तैयार हो जाए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा बनाया, और टेस्ट भी लेंगे अपने पापा से और अपने मम्मी से कि कैसा बनाया तुम्हारे जीते ने, ठीक है? तो ये रेडी हो जाए, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो यहाँ पर अपना पिज्जा बनके रेडी हो चुका है। ये रहा भाई अपना पिज्जा जो कि हमने बनाया है अपने रूम के हीटर पे, ठीक है? अब इसको टेस्ट करने का टाइम आया कि सही से मेल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। पहले बार जो मैंने बनाया था इंस्टाग्राम पे जो डाला था वो तो एक नंबर का मेल्ट हुआ था। अब टाइम आ गया है इसको चेक करने का। सॉस ज़्यादा गिर गई थोड़ी सी, प्लीज़ वेट अ वाइल, आई एल दिखाइंग टू यू अगेन। पहले चटनी डालेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो अपना पिज़्ज़ा है वो कुछ इस तरीके का देखने को दिख रहा है। ये ऊपर से देख लो, तुम्हारे भाई ने खुद अपने हाथों से ये पिज़्ज़ा जनरेट किया है, मतलब बनाया है। इसको तुम्हारा भाई टेस्ट करता है और आप लोगों को बताता है कैसा बना है। प्लीज़ वेट अ वाइल दोबारा से। आओ खा लो। मस्त बना, जैसे उनका बेस नहीं होता क्रिस्पी कर देते हैं तो उस तरीके का बना है। इसको ना अपने घर पे ना ट्राई करना, सही में एक नंबर का बन रहा है। जो जो मैंने सामान डाला है ना तो दोबारा देख लेना क्या क्या डाला है, सच में ही एक नंबर का बन रहा है, ठीक है? तो अपना पिज़्ज़ा ये रहा, इसको मैं खाता हूँ। इसके बाद ना मेरे को अपना रूम भी दिखाना है आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपने रूम में कुछ काम करवाया है, वो आप लोगों को दिखाना जरूरी है ना। अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे, चीतों को तो दिखाना है। तो इसको खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ मैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा तो तुम्हारे भाई ने चट कर लिया है। अब आपको मेरे को कुछ काम बताने थे जो मैंने अपने रूम में करवाया है। सबसे पहला काम है वो ये एक मिरर लगवाया है जिसमें हम इस तरीके से बात कर सकेंगे। दूसरा काम जो है, यहाँ पर किसी ज़माने में हुआ करते थे भाई प्ले बटन, उनको शिफ्ट करके मैंने यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि हम जो व्लॉगिंग करते हैं वो हमेशा इस तरीके से करता हूँ मैं, मेरा बैक हमेशा ये दिखता है, तो प्ले बटन दिखने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर किसी ज़माने में हुआ करती थी बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम्स, उनको मैंने हटा दिया है और ये इस तरीके का कांच का लगवा लिया है। और यहाँ पर अपने डब्बे वगैरह लिया है, और ये बोर्ड है जिसमें मैं कंटेंट लिखता हूँ, और एक छोटी सी अलमारी लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी यादें रखूंगा, मतलब गोवा घूम के आया था तो गोवा की यादें। और बाकी ये वाली जो दीवार है ना पूरी फोटोज से भरने वाली है अभी कुछ दिनों में। और इसके अंदर मैंने अपने गैजेट वगैरह रख लिए, जितने भी मेरे पास गैजेट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और इस दीवार पर हुआ करते थे भाई किसी ज़माने में बैग ही बैग, बैग ही बैग, तो उनको शिफ्ट कर दिया है तुम्हारे भाई ने यहाँ पर। पीछे कितने सारे बैग है वो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 और एक अंदर पड़ा 7। ये मेरी राइडिंग जैकेट और मेरे पास शूज़ भी देख लो, ये देखो भाई सब कितने सारे, अभी तो और भी 2-3 नीचे रखे हुए हैं। ये शूज़ है मेरे। तो इस तरीके का कुछ काम तुम्हारे भाई ने करवाया है अपने रूम में। और एक जो है सबसे बड़ा काम जो मैंने कर रहा है, ये एक छोटी सी टेबल बनाई है, मतलब बैठने के लिए बना रखा है, 3 टायर को जोड़ के और इसके अंदर जोड़ दिया है मैंने। ये देखो ये नट वगैरह लगा के इसको जोड़ दिया, पेच वगैरह करके, और एक गद्दी रख दिया बैठने का बढ़िया जुगाड़। तो यही कुछ मेरे को आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस है तो आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। तो आज का व्लॉग कुछ इतना ही था, होप करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद तो आया होगा। एक बार देख लो, ये है अपना रूम, ठीक है? अपना मतलब हम लोगों का, चीतों का रूम है ये। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहाँ ख़त्म हो रही है, इसके बाद तुरंत एक और वीडियो शूट करनी है, क्योंकि आज मैं ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। जहाँ पर ट्रिप के लिए जा रहा हूँ वो आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम पे, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है? यूज़र हैंडल ये देख रहे हो, कैली को देख रहे हो क्या कर रही है, इसने भी पिज़्ज़ा खाया है, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं, बाय बाय, बूम बूम बूम। आपको बता देता हूँ बेसिकली लगता क्या क्या भाई, ये जो पिज़्ज़ा के ऊपर डलती है ना लाल मिर्च के जो पाउडर सा होता है, मतलब स्प्रिंकल्स से होते हैं, स्प्रिंकल्स कहते हैं फ्लैक्स।